पर आप अपने को व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। मेवाड़ में नौकरी करनी है तो व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। जब एसपी हट सकता है तो सिपाही भी हटेगा। भीम विधायक ने थानेदार को चेताया, गलत व्यवहार रहा तो नहीं चलेगी नौकरी। जन समस्या, शिकायत व लोगों की समस्या को सादगी से सुनने और त्वरित निस्तारण को लेकर भीम उपखंड मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को नसीहत व निर्देश देने वाले भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत फिर सुर्खियों में आ गए हैं। 2 माह पहले 16 दिसंबर 2022 को जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर राजसमंद जिला कलेक्टर से मिलने जाने वाले लोगों को रोकने की बात को लेकर विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के समक्ष आक्रोश जताया। विधायक बोले कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लोगों की समस्या सुनने के लिए अधिकारियों को गांव ढाणी में जाने के लिए और रात्रि चौपाल करने के लिए निर्देश दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी समस्या को लेकर लोग जिला कलेक्ट्री खुद पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें जिला कलेक्टर से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। उस मामले में एएसआई रामेश्वर लाल मीणा को निलंबित भी कर दिया था, हालांकि एक दिन बाद फिर उसे बहाल कर दिया था। इस मामले को लेकर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए थे। इस तरह सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर राजसमंद में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में भी भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने जनता की सुनवाई करने की पैरवी करते हुए प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना और प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत का ध्यानाकर्षण किया और उन्होंने कहा कि लोग अफसरों के पास याचक की तरह खड़े नहीं रहने चाहिए। अफसरों को जनता की समस्या सुननी होगी और लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं पर भी उन्हें जनता के साथ गलत होता दिखेगा तो वे अब सहन नहीं करेंगे। देखिए जिला स्तरीय समारोह में विधायक सुदर्शन सिंह ने किस तरह चेतावनी दी। और हम जिस सरकार में बैठे हैं, जो हमारा मान सम्मान हो रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्री के तौर पे और विधायक के तौर पे, उस सरकार को बनाने वाले यही कार्यकर्ता है, यही राजसमंद की जनता है। जिस एक बात के लिए मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ इस जगह पहुंचाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी दफ्तर में जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता जाए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, राजसमंद का गरीब व्यक्ति जाए, आम आदमी जाए, उसके मान और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए पूरी तरह से। मैं ये चाहता हूं वो दफ्तरों के बाहर याचक के जैसे नहीं खड़ा रहे। मुझे पीड़ा है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं, आप सभी मंत्रीगण अपनी ताकत लगा रहे हैं, पर कुछ लोगों की इस नजरअंदाजी से सरकार बदनाम होती है। बार बार प्रश्न उठता है कि सरकारें क्यों पलट रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसका अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने तो मेरे अल्प 4 साल के इस राजनीतिक कैरियर में जो बात समझी है कि दफ्तरों में सुनवाई नहीं होने के कारण सरकारें बदल रही है और दफ्तरों में अगर आम आदमी की सुनवाई हो जाए तो सरकारें अपनी नीतियों के कारण दोबारा जीत कर। अब फिर इसी तरह कथित तौर पर लोगों से अभद्रता से पेश आने की शिकायत के बाद भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने मौके पर ही दिवेर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आपको अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। विधायक सुदर्शन सिंह ने दो टूक कहा कि अगर मगरा क्षेत्र यानी भीम विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करनी है तो व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। विधायक सुदर्शन बोले कि यहां आदमी इज्जत को रोता है। विधायक ने चेताया कि आप स्पष्ट रूप से समझ लेना कि जो भी आदमी गलत हैं उनको हम हटाएंगे यहां से, किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति को हम नहीं रखेंगे जिनका व्यवहार ठीक नहीं है। अब नए एसपी साहब आ गए हैं, जब एसपी हट सकता है तो सिपाही भी हटेगा। अब देखिए विधायक रावत ने किस तरह से दिवेर थाना प्रभारी को दो टूक चेतावनी दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप अपने को व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। हाँ, ये बाकी नहीं चलेगा। ये मगरे में नौकरी करनी है, मेवाड़ में नौकरी करनी है तो व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। क्या आदमी इज्जत को रोता है? सुनो मेरी बात, उनसे बहुत परेशान है पब्लिक। और आप इस बात को स्पष्ट समझ लेना कि जो भी आदमी गलत है उनको हम हटाएंगे यहाँ से, किसी भी सूरत हाल में यहाँ पे नहीं रखने वाले। जो जो इसमें जिनका व्यवहार गलत है, अब नए वाले एसपी साहब आ गए हैं, जब एसपी हट सकता है तो सिपाही भी हटेगा। इसमें द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।